हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। सनातन हमेशा सबका भला चाहता है, मानवता का भला चाहता है। वह जातिगत ऊपर उठकर हम लोग देश से भी ऊपर उठकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। दुर्भाग्य है ऐसी संस्कृति को मानने वाले लोगों की आस्था पर पंडालों में घुस घुस कर जो आक्रमण किया गया, हिंदू भाई बहनों को दुख दिया गया, इवन हिंदू बहन बेटियों का वहाँ पर रेप भी हुआ है, ये दुखद है। पूरे विश्व को ये देखना चाहिए, क्योंकि जब जब हिंदुओं पर कोई ऐसा आक्रमण होता है पूरा विश्व उसे इग्नोर कर देता है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और भारत सरकार से प्रार्थना है कि ऐसा कदम उठाए कि उन लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए जिन लोगों ने भी ये काम किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, जिसके कारण वो दोबारा कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं। यही मांग हम उनके माध्यम से करना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से कर, क्योंकि आप लोगों की पहुंच बहुत दूर तक है। मीडिया चाहे तो पूरे अमेरिका तक भी अपना मैसेज पहुंचा सकती है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा आप सबसे कि आप इस बात को रखें कि जब पूरे विश्व का हम भला चाहते हैं, जब कोरोना हुआ था हमने लगातार एक साल तक यही प्रार्थना की थी कि कोरोना इस विश्व से चला जाए। हमने पूरे कथाओं में रह रहकर यही प्रार्थना की और यही प्रार्थना की कि सब सुखी रहे, निरोगी काया को जिए, हे भगवान सबको सुरक्षा दो। अगर हम जैसे लोगों के ऊपर हमारी आस्था पर ऐसे आक्रमण होगा तो हम लोग क्या ये प्रार्थना करना बंद कर दें? हमें ये लगे कि हमारा पूरा विश्व हमारे साथ नहीं है, तो ये दुखद है। और एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा भारत सरकार से, जितने भी भारतीय सनातनी मंदिर सरकार के अंडर हैं भारत में कहीं भी हैं, उनका जो भी चढ़ावा है वो सारा चढ़ावा सनातनियों की सेवा में ही लगना चाहिए। जो सनातन को मानते हैं चाहे वो किसी भी जाति से, जातिगत ऊपर उठकर, हमें जातिगत समस्या में नहीं, कोई भी गरीब आदमी है, क्योंकि चढ़ावा चढ़ता है हिंदुओं का और वो चढ़ावा लगना भी चाहिए हिंदुओं में, सनातनियों में, चाहे वो किसी भी जाति का। जहाँ जहाँ गरीब हैं वो पैसा वहाँ लगे जिससे उनकी गरीब बेटियों का विवाह हो सके, गरीब बच्चों को एजुकेशन मिल सके और गरीबों को घर मिल सके, ऐसी व्यवस्था उस धन की होनी चाहिए। और वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सो सबको पता चले कि इतना मंदिर में चढ़ावा आया और इतने गरीबों की सेवा हुई, ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। दान पात्र को चाहते हैं कि मथुरा का भी विवाद इसी तरह से किस तरीके से नहीं सोचे। मैं तो ये मैंने आपके आप हमारे काम करके पुराने मीडिया करने आप सबसे मेरी कई बार मुलाकात हुई, आप सब जानते हैं। मैंने तो आपसे शुरू में भी कहा था कि तीन जगह आप, जब राम मंदिर नहीं बना था तब मैंने ये कहा था कि तीन जगह आप हमें दे दीजिए, तीन जगह हम मस्जिद बनवा देंगे। इवन हमने तो कहा था 300 बनवा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, राम मंदिर का निर्णय कोर्ट से ही हुआ। तो अब आज फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर वो लोग मथुरा दे देते हैं तो मथुरा की आराम से देते हैं, भाईचारा निभाते हुए देते हैं। जितना अयोध्या विवादित था मथुरा तो उतना भी विवादित नहीं है। मथुरा तो वाकई सनातनियों का ही, वो तो किराए पर रहने आए थे, भाई तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है तो जाके रह लो, तो वो अपने आप प्यार से कहते कि हम आपका किराया खाली करके जा रहे हैं, आपका मकान आप रहिए। वो प्यार से अपने भाईचारा निभाते हुए हमारी कृष्ण मथुरा जन्मभूमि को दे दें तो निश्चित मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही उनके लिए एक मस्जिद हम बनवा देंगे, जहाँ वो जाके अपने, और यही भाईचारा है, गिव एंड टेक। यू रिस्पेक्ट माई फीलिंग देन आई विल रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स ऑल्सो, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। वो तो दो जगह दे दें, काशी और मथुरा, बस बड़ी कृपा होगी आपकी। स्वामी जी, धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र धार्मिक प्रचार या कट्टरता कितनी से? सबसे पहली बात तो ये देश धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं। हम धर्मनिरपेक्ष की बात ही क्यों कर रहे हैं? कहाँ है, कौन सा, कौन कह रहा है धर्मनिरपेक्ष है? आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके कोर्ट में क्या लिखा हुआ है? ये तो धर्म ततो जय, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये तो धर्म? तो सत्यमेव जयते आपकी मुद्रा पे लिखा हुआ है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही सनातन है और सनातन ही धर्म है, बाकी का तो कोई धर्म है ही नहीं। तो भारत तो इसकी तो रग रग में सनातन घुसा हुआ है, तो हम इसे सत्य से अलग और पृथक कैसे कर सकते हैं? सत्य की बात नहीं, आप पंथ निरपेक्ष आप कहना चाहते हैं जी, पंथ निरपेक्ष का जी, तो पंथ निरपेक्ष तो यहाँ कई है, तो क्या सबको धार्मिक प्रचार करने का या अपने धर्म के लिए कुछ करने का अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए या नहीं? देखिए इस विषय पर, ये राजनीतिक विषय है, इसमें तो शासन प्रशासन जाने,
लेकिन मुझे तो इतना पता है कि जितना भी दायरे हैं उन दायरों में रह गए तो सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर ही रहे, वो तो सब कर ही रहे। उनमें तो आज भी कोरोना काल में भी तो हम सब एक दूसरे का ध्यान, देखिए प्रशासन ने हमें भी एक लिमिटेड के इतने ही लोग कुर्सी डाल के आप बैठेंगे, आपने हमेशा देखी है कथा कभी ऐसे नहीं हुई है कानपुर में। लेकिन इस बार जब प्रशासन ने कहा कि नहीं दायरे में रहोगे सीमित रहोगे, तो हमने अपने हृदय से और सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे लोगों ने ये कोशिश की है कि दायरे में रह के ही कथा सुनी जाए। और आपने ये भी देखा होगा शांति से लोग आते हैं और शांति से लोग चले जाते हैं, तो ऐसा तो प्रचार करने में कोई बुराई नहीं। बनाते हैं जो धर्म प्रचारक, मैं कहता हूँ संसार में अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसी की होनी चाहिए तो वो है धर्म प्रचारकों की, जो जो संस्कृति को हमारे घर घर तक पहुँचा रहे हैं। आज अगर ये कथाकार न हो, संत न हो, तो शायद 10 साल में ही हमारी संस्कृति हमारे घरों में जीरो बैलेंस में पहुँच जाएगी। तो हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा रहे, उनका दायित्व तो बढ़ा के और प्रस्तुत किया जाए समाज में। नहीं तो आप ये चाहते हैं गवर्नमेंट उनको सुरक्षा मुहैया कराए? ऑब्वियसली होनी चाहिए। अगर हम लोग अपने एक क्षेत्र के एक विधायक को या एक क्षेत्र के पार्षद को हम सुरक्षा दे सकते हैं, तो जो पूरे विश्व में एक धर्म का जागरण कर रहा है, जो आपके बच्चों को संस्कारी बना रहा है, जो आपके बच्चों को बताता है कि सत्य बोलने के लाभ क्या हैं, असत्य बोलने के दुष्परिणाम क्या हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करने का क्या लाभ है, समाज में अच्छा बने रहने के लिए क्या लाभ है, समाज में अच्छे बने रहोगे तो तुम समाज में पूजनीय होगे, जब ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, राम के पद चिन्हों पर चलने की बातें सिखाते हैं, क्या वो हमारे समाज के लिए ज़रूरत नहीं है? अगर ज़रूरत की चीज़ों की तो सुरक्षा होनी चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, सुरक्षा नहीं करनी चाहिए। और अगर लगे कि हाँ ये कुछ लोग हमारी सुरक्षा के लिए योग्य हैं, इनकी सुरक्षा हमारे बच्चों की सुरक्षा है, तो अवश्य देनी चाहिए, ये सरकार के विवेक पे डिपेंड है। समझिए आपने जैसा भी एक कथा में कहा है कि कुछ जो सनातन धर्मी नहीं है वो भी कथा वाचना कर रहे हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं जो मतलब आपकी नज़र में जो इस तरह का व्यवसाय बनाए उसको? मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, कथा ही नहीं कर रहे, भजन भी करते हैं, जागरण भी करते हैं, चौकी भी करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी विधान सनातनी परंपराओं से किया जाएगा वही फलदायक होगा। जैसे आपने अपने घर में एक छोटा सा हवन कराया, अब हवन में मंत्र लगेंगे, अगर वेद मंत्र लगेंगे तो वेद मंत्रों के ज्ञाता कौन है, यज्ञोपवीतधारी कौन है, तिलक स्वरूप लगाने वाले कौन है, उन्हीं के माध्यम से वो वेद मंत्र आपके घर में प्रभावी होंगे। अब कल को मैं वो उसका अधिकार नहीं रखता, मुझे आप बुला लें, आपने खर्चा भी किया, आपने व्यवस्था भी की, आपने सब किया, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला, तो दो तरीके से नुकसान हुआ, एक तो वो मेरा आपके घर में एंट्री हो गई, दूसरी आपको कोई लाभ ही नहीं मिला जिसके लिए आपने मुझे बुलाया था। तो मेरा मतलब ये था कि जो सनातन पद्धतियों को जो नियम है, नियमावली है, जब तक हम उन्हें पालन नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ हमको नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं उन नियमों का आप पालन करिए, वो बन जाए ना सनातनी, वो पाठ करें उस तरीके का, वो नियमों का पालन करें, वो ईमानदारी से वैसे बन जाए, तो फिर उनको भी अधिकार मिल जाएगा, कोई बुराई नहीं। आज भी हम रसखान विवेक इनको काले खां को गाई रहे ना, हमने कहाँ ठुकराया किसी को? ठीक है मेरे प्यारे, थैंक यू सो मच आप सबका पधारने का। अवश्य देंगे, ये हमारे अपने और कानपुर की मीडिया तो हमें इतना प्यार करते हैं, हम बता नहीं सकते आप सबका, बहुत आपका प्यार है हमारे साथ, है कि नहीं?